सो हे आर दिस पॉलिस ऑफ वन पेज चैप्टर 144 और ये चैप्टर गम का मोनोमी के बारे में काफी कुछ रिवील करेगा। लाइक गम का मोनोमी का जो असली नाम है वो है हितो हितो नोमी, दैट इज ह्यूमन ह्यूमन फ्रूट। सो लेट्स जंप टू दिस पॉलर्स। सो इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है लिबरेशन वॉरियर। लूफी की एलाइज को लूफी के प्रेजेंस फील होती है और उन्हें पता चलता है कि वो जिंदा है। उसका हम गोरोशी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है इस डेविल फ्रूट की अवेकनिंग यूजर को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ और मूव करने की फ्रीडम देगी, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक पावर है। और जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो गम का मोनोमी को 800 सालों से ढूंढने की कोशिश कर रही थी, बट वो कभी उस फ्रूट को पा नहीं सकी। इट सीम्स लाइक वो फ्रूट उनसे खुद दूर जा रहा था। तभी गोरुशी का एक बंदा कहता है कि जो ओजोनन फ्रूट होते हैं उनके पास खुद का दिमाग होता है, और गोरुशी बताता है जो गम का मोनोमी है वो एक्चुअली एक जोनन टाइप फ्रूट है और इसका असली नाम है हितो हितो नोमी, दैट इज ह्यूमन ह्यूमन फ्रूट, मैथोलॉजिकल मॉडल निका। इस चैप्टर में हम देखते हैं हियोरी और ओरोची को, और वहां पे हियोरी अपना फेस रिवील करती है और लूफी अपने डेविल फ्रूट को अवेक करता है और गियर फिफ्थ वहां पे यूज करता है। एंड अगेन काइडो और से लूफी स्टार्ट होता है, और इस बार लूफी काफी बुरी तरीके से काइडो को मारता है एंड चैप्टर यहां पे खत्म हो जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट गम गम नोमी। जैसे कि हम वन पीस के स्टार्टिंग में देखे थे कि जो गम गम फ्रूट है वो सैंक्स लेके कहीं जा रहा होता है। सो क्या सैंक्स उसे लेके वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास जा रहा था? तुम लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।